हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर। मोटा मोटा बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन भी इसका पार्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा मिशन है। जी हाँ, बहुत बड़ा मिशन है। अगले 10 सालों, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अगले 10 सालों के बीच की बात हो रही है। दोस्तों, अडानी ग्रुप का इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, ये आप देख सकते हैं। अडानी टू इन्वेस्ट $70 बिलियन, 70 मिलियन नहीं है, $70 बिलियन इन रिन्यूएबल एनर्जी, प्रोड्यूस चीपेस्ट हाइड्रोजन। दोस्तों, अगले 10 सालों के भीतर भीतर अडानी ग्रुप जो है, गौतम अडानी, जो कि इसी थर्सडे को इन्होंने अनाउंस किया, ये $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगले 10 सालों के भीतर, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का पोर्टफोलियो इन्हीं के पास हो। यानी दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनाना चाहते हैं और जो चिपेस्ट हाइड्रोजन अर्थ प्लैनेट पे प्रोड्यूस कर रही हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँगा कि ये $70 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा का पूरा सोलर एनर्जी के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। इसका ये जो भी एनर्जी, यहाँ से ग्रीन एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, ये ग्रीन एनर्जी अलग अलग वैरायटी ऑफ सोर्सेज से हम जनरेट कर सकते हैं, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स के तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि विंड एनर्जी भी इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले कर सकता है, सोलर एनर्जी तो करेगा ही करेगा, राइट। तो दोस्तों, हाइड्रो एनर्जी भी कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर आज की डेट में ऑलरेडी है, और इसका जो टारगेट है 45 गीगावाट्स का है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करने का बाई 2030। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि ये 2 गीगावाट पर ईयर के डेवलपमेंट को अचीव कर सकें सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय 2023, फाइनेंशियल ईयर 2023। दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर है। ये विंड के लिए नहीं, सोलर पावर के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड कंपनी है इनकी। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की अगर हम बात करें, तो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पावर ट्रांसमिशन और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो अपने रिन्यूएबल पावर प्रोक्योरमेंट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं 3% से बढ़ा करके 30% तक बाई फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड टू 70% बाई फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। तो दोस्तों, इतना बड़ा जो अनाउंसमेंट किया गया है, ये कहीं ना कहीं इसमें सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एक की कंट्रीब्यूटर की तरह रोल प्ले जरूर कर सकता है अडानी ग्रुप के इस बिग इन्वेस्टमेंट प्लान का एक हिस्सा बन करके, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अडानी ग्रुप वैसे अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, और आपको देखिए, यहाँ पर बताना चाहूँगा, ब्लूमबर्ग की एक आर्टिकल के मुताबिक अडानी ग्रुप के जो फाउंडर चेयरमैन गौतम अडानी, इन्होंने खुद कहा है कि ये एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, ताकि इंडिया को ज़ीरो कार्बन एमिशन वाला कंट्री बना सकें। और ग्लासगो के अंदर जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी कहा था कि 2070 तक भारत जो है ज़ीरो कार्बन एमिशन तक पहुँच सकता है, ये हमारे देश का टारगेट है, राइट। तो अडानी ग्रुप के इस $70 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर सुजलॉन एनर्जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक की कंट्रीब्यूटर की तरह रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर, हमारे देश को ग्रीन बनाने के लिए, हमारे देश को हरा भरा बनाने के लिए, नॉन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी के लिए, फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी को हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए? आप चाहें तो कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, अडानी ग्रुप अगर विंड सेक्टर में जो कुछ भी काम करता है उसमें
विंड एनर्जी सेक्टर के लिए सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ कर सकता है। सुजलॉन कोई ज़रूरी नहीं है एक ही पर्टिकुलर कंसेप्ट पे काम करता है, वो अलग अलग सर्विसेज, वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पूरे विंड सेक्टर के अंदर, और एक नहीं कई तरीके की सर्विसेज हो सकती हैं जो अडानी ग्रुप के इस पूरे प्लान का एक इम्पॉर्टेंट नीड हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे अपने तरीके से बताने को मुझे मैंने सोचा था, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और सुजलॉन के लिए हम लोग बात करेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। टेक केयर।